हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है दिलवाले। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से YouTube चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दिलवाले 2015 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सीनन और वर्धन धवन शामिल है, जबकि मनु धोना, बोमन ईरानी, कबीर बेदी और जॉनी जूनी लेवर मुख्य किरदारों में नजर आते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना की 27 अप्रैल 2017 की मौत से पहले की आखिरी फिल्म भी थी। दिलवाले ने क्रिसमस की मुद्दत से एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी, मजा, सिनेमाटोग्राफी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ मस्बत जायजे मिले। लेकिन इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले पर तनकीद, ये बैरून मुल्क 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 376 करोड़ की ज्यादा की कमाई की और अब तक की 31वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म फेयर अवार्ड में दिलवाले ने 5 नामजदगियां हासिल की, जिनमें बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान और बेहतरीन अदाकारा काजोल शामिल है। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी। अगर इस फिल्म के राइटर की बात करें तो इस फिल्म को जिसने और राइट किया है उनका नाम है यूनिस सजावल, जिन्होंने इस फिल्म को राइट किया है। और डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है जी फरहाद सजाद ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। अगर स्टोरी प्ले की बात कर ली जाए तो स्टोरी प्ले जिन्होंने की है वो है जी के सुभाष और प्रोड्यूस्ड बाई गौरी खान, यानी कि शाहरुख खान की बीवी, एंड रोहित शेट्टी। अगर मेन किरदारों की बात कर ली जाए तो मेन किरदारों में आपको नजर आएंगी काजोल, शाहरुख खान, कृति सनन, वर्धन धवन। अगर सिनेमाटोग्राफी की बात कर लें तो सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की जिसने की है उनका नाम है ड्यूली। अगर एडिट की बात की जाए तो इस फिल्म को जिसने एडिट किया है उनका नाम है बुंटी नागी। अगर म्यूजिक की बात कर लीजिए तो म्यूजिक जिन्होंने इसका दिया है वो है जी अमार मोबाइल, एंड सॉन्ग की बात कर लीजिए तो सॉन्ग प्रीतम ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर लीजिए तो रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पर ये मूवी आप जाकर देख सकते हैं, रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस पर भी आप ये मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से ये दी गई और इसकी जो रिलीज डेट है वो है दोस्तों दिसंबर 18, 2015 इंडिया में इसको रिलीज किया गया। 154 मिनट की स्टोरी पर मोहित ये स्टोरी है, लॉन्ग मूवी है और इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ही है। और इसके अलावा कंट्रीज की बहारत है और इसको हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया, बाद में फिर मुख्त जबानों में आपको पता है कि डब कर दिया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 75 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस में 378 करोड़ का बिजनेस किया। वाओ, अच्छा बिजनेस करके बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा दे के जिस किसी ने भी इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में काजल एज अ मीरा मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शाहरुख खान एज अ राज काली के रोल में आपको नजर आएंगे बख्शी, एंड कृति सनन एज अ इशिता इशु मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, वरुण धवन एज अ वीर बख्शी के रोल में आपको नजर आने वाले हैं, एंड नेक्स्ट की बात कर लें विनोद खन्ना एज अ
रणधीर बख्शी काली एंड वीर फादर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड कबीर बेदी एज अ देव मलिक एंड मीरा एंड इशिता फादर के रोल में आपको नजर आएंगे एंड वरुण शर्मा एज अ सिद्धार्थ सद्दू सिंगल के रोल में आपको नजर आएंगे एंड जॉनी लेवर एज अ मिनी तृप्ति के रोल में आपको नजर आएंगे बोहमान ईरानी एज अ किंग भतचिया के रोल में आपको नजर आएंगे मिखेश तैवरी एज अ शक्ति सेघल के रोल में आपको नजर आएंगे पंकज जो है ना वो आपको अनवर अली मिर्जा के रोल में आपको नजर आएंगे एंड इसके बाद एंड संजय मिश्रा एज अ ओस्कार कोस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे नवाब शाह एज अ रंगाव शखर के रोल में आपको नजर आएंगे। तो इस कैरेक्टर मूवी में जिसने जो कैरेक्टर किया वो भी हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा इस फिल्म दिन के दिल वाले में कि वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं, यानी कि शाहरुख खान और वरुण धवन भाई हैं, जो गोवा में कार ट्यूनर्स के तौर पर काम करते हैं। वीर की मुलाकात इशाती नामी एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़की से होती है, जहां वो इसकी मदद करता है, लेकिन इस अमल में एक गाक की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तपस्या के तौर पर राज वीर को रात में गाड़ी ठीक करने पर मजबूर करता है। वीर गाड़ी को ठीक करते हुए सो जाता है और जब वो बीदार होता है तो उससे मालूम होता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। दरअसल वीर किंग नामी मनशात फरोज के साथ झगड़ा में पड़ जाता है। वो अपने चंद हवारियों को मारता है जिन्होंने शीता को धमकी दी और बाहर निकल गया। राज ने लड़ाई तोड़ दी और इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया। राज को बादशाह के ठिकाने का पता चलता है, जहां वो अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ मिलकर गैंग के अरकान को मार डालता है और इनका जखीरा जला देता है। राज खुद को काली जहर करता है। इसके और वीर के दरमियान झगड़े की वजह से बादशाह को राज पर काली होने का शबा है। तहम राज की आजसी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो बेजर है और वो इनके तहफ़ के बदले इनकी गाड़ी ठीक करने का सौदा करता है। बल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नामी क्राइम बॉस के बेटे हैं। राज रणधीर के हरीफ दियो नारायण के मलिक के साथ इनके 2000 ताकुब में से एक के दौरान मीरा से मिल जाता है। वो इसके साथ प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अपने वालिद को खप की तरसील के दौरान राज परदेव के मरीदों ने हमला किया, जहां मीरा ने इंकशाफ किया कि वो मलिक की बेटी थी और इसने राज से झूठ बोला। वो राज की ज़िंदगी को बचाती है क्योंकि ये इसकी सालगिरह थी। इसके फौरन बाद राज का मुकाबला मीरा से होता है। इसने अपनी गाड़ी में मीरा का पीछा किया और इसकी जान बचाई जब वो तकरीबन एक पहाड़ से गिर गई। वो इससे कहता है कि इससे दोबारा कभी ना मिलना वरना वो इससे मार डालेगा। मीरा पछतावा से मगलूब राज के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है, जो बलाखिर इसे माफ़ कर देती है। राज और मीरा ने रणधीर और दियो से अपने ताल्लुकात का इंकशाफ किया, जो एक दूसरे से मिलने पर राजी है। तहम दियो राज और इसके वालिद को फायरिंग के तबादले में मारने की कोशिश करता है। दियो और रणधीर एक दूसरे को गोली मार कर हला कर देते हैं। जब मीरा राज को दियो के जिस्म के पास बंदूक पकड़े हुए देखती है तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने इसे धोखा दिया है और इसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शुक्ति और अनवर इसे माजी को भुलाकर वीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने पर राजी करते हैं। मौजूदा वीर को पता चलता है कि इसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू जो चोर था इसने कार के पुर्जे चुराए थे, लेकिन इसे बचाता है क्योंकि
सिद्धू ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी के लिए किया था। वीर ने अशिता को प्रपोज किया। राज को इनके ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। वो अशिता के खानदान से मिलने का फैसला करता है। तहम अशिता का खानदान मीरा है, इसकी बड़ी बहन। राज से मिलने के बाद मीरा ने फौरी तौर पर अशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर दिया। वीर और अशिता ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई बहन एक दूसरे से इतना नापसंद क्यों करते हैं। वीर और सिद्धू शक्ति और अनवर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो घबराते हैं और एक मजाक का खेस कहानी बनाते हैं कि राज रामलाल नाम का धोबी था और मीर पागु नामी लड़की थी जिसने इसे पैसों के लिए छोड़ दिया। वीर और अशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मनसूबा बंदी की, लेकिन वो नाकाम रहे। मनी राज लेफ्टिनेंट बादशाह की कारों में से एक चोरी करता है और इसे दुकान पर लाता है। वीर मनी और सिद्धू ने कार के डैगलेट में मनशा ड्राफ्ट की और इन्हें जला दिया। ये महसूस करने पर कि अशिता दी से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि ये अशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा और राज को इस अमल में छोड़कर जाना चाहिए। जैसा एक गुस्से में वीर बाहर निकलता है, मीरा ने वीर को बताया कि राज दरअसल रणधीर का गोद लिया हुआ बेटा था और वो वीर का हयातियाती भाई नहीं है। राज ने इसकी तस्दीक की, दोनों भाई गले लग गए। राज अपने भाई के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने पर मीरा का सामना करता है। इसने इसे बताया कि वो बेकसूर है और इसने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया। मलिक का दिया हाथ रागु राज के बेगुनाही को जहर करता है और मीरा जो हकीकत को जानती है अशिता को राज घर ले जाती है और ऐलान करती है कि वीर शादी के बाद राज अशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफ़ी मांगती है और वो इसे फौरन माफ़ कर देता। एक चर्च में सिद्धू और इसकी गर्लफ्रेंड जीनी की शादी के मौके पर किंग अपनी कार जो शादी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी को ढूंढता है और मनी स्कर और वीर को लेकर आता है। ये जानने का मुतालबा करता है कि इसने मनशात, जब इसे मालूम होता है कि क्या हुआ है तो वो अपना गुस्सा खो देता है। एक लड़ाई होती है जहां राज अपने आप को गोली के तौर पर काली के तौर पर जहर करता है और बादशाह को मारता है। बादशाह राज को मारने की कोशिश करता है लेकिन मीरा को गोली लगती है और बादशाह को मारा पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा अस्पताल में दाखिल है जहां वो सेहत याब होकर राज के साथ दोबारा मिल जाती है। दोस्तों ये है इस मूवी की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। मूवी भी अच्छी है, इसके सॉन्ग भी अच्छी हैं, स्टोरी भी अच्छी है और इसके अलावा एक्टर भी बड़े बड़े हैं, चारों जो है वो मने हुए एक्टर हैं। इसके वजह से फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म अच्छी है। लेकिन आप जब देखेंगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। दिलवाले 2015 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसकी हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सीनन और वर्धन धवन शामिल हैं, जबकि मनु धोना, बोमन ईरानी, कबीर बेदी और जॉनी जूनी लेवर मामे किरदारों में नजर आते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना की 27 अप्रैल 2017 की मौत से पहले की आखिरी फिल्म भी थी। दिलवाले ने क्रिसमस की मुद्दत से एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी, मजा, सिनेमाटोग्राफी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ मस्बत जायजे मिले। लेकिन इसकी कहानी स्क्रीन प्ले पर तनकीद, ये बैरून मुल्क 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 376 करोड़ की ज़्यादा की कमाई की और अब तक की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म बनकर सामने आई।
फिल्म फेयर अवार्ड में दिलवाले ने 5 नामजदगियां हासिल की, जिनमें बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान और बेहतरीन अदाकारा काजोल शामिल है। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी। अगर इस फिल्म के राइटर की बात करें तो इस फिल्म को जिसने राइट किया है उनका नाम है यूनिस सजावल, जिन्होंने इस फिल्म को राइट किया है। और डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है जी फरहाद सजाद ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। अगर स्टोरी प्ले की बात कर ली जाए तो स्टोरी प्ले जिन्होंने की है वो है जी के सुभाष और प्रोड्यूस्ड बाई गौरी खान, यानी कि शाहरुख खान की बीवी, एंड रोहित शेट्टी। अगर मेन किरदारों की बात कर ली जाए तो मेन किरदारों में आपको नजर आएंगी काजोल, शाहरुख खान, कृति सनन, वर्धन दुहान। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर लें तो सिनेमोग्राफी इस फिल्म की जिसने की है उनका नाम है ड्यूली। अगर एडिट की बात की जाए तो इस फिल्म को जिसने एडिट किया है उनका नाम है बुंटी नागी। अगर म्यूज़िक की बात कर लीजिए तो म्यूज़िक जिन्होंने इसका दिया है वो है जी अमार मोबाइल, एंड सॉन्ग की बात कर लीजिए तो सॉन्ग प्रीतम ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर लीजिए तो रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पर ये मूवी आप जाकर देख सकते हैं, रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस पर भी आप ये मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से ये दी गई, और इसकी जो रिलीज डेट है वो है दोस्तों 18 दिसंबर 2015 इंडिया में इसको रिलीज किया गया। 154 मिनट की स्टोरी पर मोहित ये स्टोरी है, लॉन्ग मूवी है और इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ही है। और इसके अलावा कंट्रीज की बहारत है और इसको हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया, बाद में फिर मुख्तलिफ जबानों में आपको पता है कि डब कर दिया जाता है। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 75 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस में 378 करोड़ का बिजनेस किया। वाओ, अच्छा बिजनेस करके बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा दे के जिस किसी ने भी इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में काजल एज अ मीरा मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शाहरुख खान एज अ राज काली के रोल में आपको नजर आएंगे बख्शी, एंड क्रिस्टी सनन एज अ इशिता इशू मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, वरवन दुहान एज अ वीर बख्शी के रोल में आपको नजर आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट की बात कर लें विनोद खन्ना एज अ रणधीर बख्शी काली एंड वीर फ्रेंड फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड कबीर बेदी एज अ देव मलिक एंड मीरा एंड इशिता फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड वरवन शर्मा एज अ सिद्धार्थ सद्दू सिंगल के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड जॉनी लेवर एज अ मिनी ट्रिप्टी के रोल में आपको नजर आएंगे, बोहमान ईरानी एज अ किंग भतचिया के रोल में आपको नजर आएंगे, मिखेश तैवरी एज अ शिक्ति सेगल के रोल में आपको नजर आएंगे, पंकज जो है ना वो आपको अनवर अली मिर्जा के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड इसके बाद एंड संजय मिश्रा एज अ ओस्कार कोस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे, नवाब शाह एज अ रंगाव शखर के रोल में आपको नजर आएंगे। तो इस कैरेक्टर मूवी में जिसने जो कैरेक्टर किया वो भी हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर स्टोरी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा इस फिल्म दिन के दिल वाले में कि वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है, यानी कि शाहरुख खान और वरवन दुहान भाई है, जो गोवा में कार ट्यूनर्स के तौर पर काम करते हैं। वीर की मुलाकात इशाती नामी एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़की से होती है जहां वो इसकी मदद करता है, लेकिन इस अमल में एक गाक की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तपस्या के तौर पर राज वीर को रात में गाड़ी ठीक करने पर मजबूर करता है। वीर गाड़ी को ठीक करते हुए सो जाता है और जब वो बीदार होता है तो इससे मालूम होता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। दरअसल
वीर किंग नामी मनशात फरोश के साथ झगड़ा में पड़ जाता है। वो अपने चंद हवारियों को मारता है जिन्होंने शीता को धमकी दी और बाहर निकल गया। राज ने लड़ाई तोड़ दी और इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया। राज को बादशाह के ठिकाने का पता चलता है जहां वो अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ मिलकर गैंग के अरकान को मार डालता है और इनका जखीरा जला देता है। राज खुद को काली जहर करता है। इसके और वीर के दरमियान झगड़े की वजह से बादशाह को राज पर काली होने का शबा है। तहम राज की आजसी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो बेजर है और वो इनके तहफ़ के बदले इनकी गाड़ी ठीक करने का सौदा करता है। बल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नामी क्राइम बॉस के बेटे हैं। राज रणधीर के हरीफ दियो नारायण के मलिक के साथ इनके 2000 ताकुब में से एक के दौरान मीरा से मिल जाता है। वो इसके साथ प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अपने वालिद को खप की तरसील के दौरान राज परदेव के मरीदों ने हमला किया जहां मीरा ने इंकशाफ किया कि वो मलिक की बेटी थी और इसने राज से झूठ बोला। वो राज की जिंदगी को बचाती है क्योंकि ये इसकी सालगिरह थी। इसके फौरन बाद राज का मुकाबला मीरा से होता है। इसने अपनी गाड़ी में मीरा का पीछा किया और इसकी जान बचाई जब वो तकरीबन एक पहाड़ से गिर गई। वो इससे कहता है कि इससे दोबारा कभी ना मिलना वरना वो इससे मार डालेगा। मीरा पछतावा से मगलूब राज के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है जो बलाखिर इसे माफ़ कर देती है। राज और मीरा ने अंधीर और दीव से अपने ताल्लुकात का इंकशाफ किया जो एक दूसरे से मिलने पर राजी है। तहम दीव राज और इसके वालिद को फायरिंग के तबादले में मारने की कोशिश करता है। दीव और अंधीर एक दूसरे को गोली मारकर हला कर देते हैं। जब मीरा राज को दीव के जिस्म के पास से बंदूक पकड़े हुए देखती है तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने इसे धोखा दिया है और इसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शुक्ति और अनवर इसे माजी को भुलाकर वीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने पर राजी करते हैं। मौजूदा वीर को पता चलता है कि इसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू जो चोर था इसने कार के पुर्जे चुराए थे लेकिन इसे बचाता है क्योंकि सिद्धू ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी के लिए किया था। वीर ने शीता को प्रपोज किया। राज को इनके ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। वो अशिता के ख़ानदान से मिलने का फैसला करता है। तहम अशिता का ख़ानदान मीरा है, इसकी बड़ी बहन। राज से मिलने के बाद मीरा ने फौरी तौर पर अशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर दिया। वीर और शीता ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई बहन एक दूसरे से इतना नापसंद क्यों करते हैं। वीर और सिद्धू शक्ति और अनवर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो घबराते हैं और एक मजाका खेस कहानी बनाते हैं कि राज रामलाल नाम का धोबी था और मीर पागू नामी लड़की थी जिसने इसे पैसों के लिए छोड़ दिया। वीर और अशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मनसूबा बंदी की लेकिन वो नाकाम रहे। मनी राज लेफ्टिनेंट बादशाह की कारों में से एक चोरी करता है और इसे दुकान पर लाता है। वीर मनी और सिद्धू ने कार के डैगलेट में मनशा द्राफ्ट की और इन्हें जला दिया। ये महसूस करने पर के अशिता दीर से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि ये अशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा और राज को इस अमल में छोड़कर जाना चाहिए। जैसे एक गुस्से में वीर बाहर निकलता है, मीरा ने वीर को बताया कि राज दरअसल रणधीर का गोद लिया हुआ बेटा था और वो वीर का हयातियाती भाई नहीं है। राज ने इसकी तस्दीक की, दोनों भाई गले लग गए।
नाराज राज अपने भाई के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश करने पर मीरा का सामना करता है। इसने इसे बताया कि वो बेकसूर है और इसने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया। मलिक का दिया हाथ रागु राज के बेगुनाही को जहर करता है और मीरा जो हकीकत को जानती है अशिता को राज घर ले जाती है और ऐलान करती है कि वीर शादी के बाद राज अशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफी मांगती है और वो इसे फौरन माफ कर देता। एक चर्च में सिद्धू और इसकी गर्लफ्रेंड जीनी की शादी के मौके पर किंग अपनी कार जो शादी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी को ढूंढता है और मनी स्कर और वीर को लेकर आता है। ये जानने का मुतालबा करता है कि इसने मंशात। जब इसे मालूम होता है कि क्या हुआ है तो वो अपना गुस्सा खो देता है। एक लड़ाई होती है जहां राज अपने आप को गोली के तौर पर काली के तौर पर जहर करता है और बादशाह को मारता है। बादशाह राज को मारने की कोशिश करता है लेकिन मीरा को गोली लगती है और बादशाह को मारा पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा अस्पताल में दाखिल है जहां वो सेहत याब होकर राज के साथ दोबारा मिल जाती है। दोस्तों ये है इस मूवी की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। मूवी भी अच्छी है, इसके सॉन्ग भी अच्छी हैं, स्टोरी भी अच्छी है और इसके अलावा एक्टर भी बड़े बड़े हैं, चारों जो है वो मने हुए एक्टर हैं। इसकी वजह से फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म अच्छी है। लेकिन आप जब देखेंगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। दिलवाले 2015 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसकी हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सीनन और वर्धन धवन शामिल हैं, जबकि मनु धोना, बोमन ईरानी, कबीर बेदी और जॉनी जूनी लेवर मुख्य किरदारों में नजर आते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना की 27 अप्रैल 2017 की मौत से पहले की आखिरी फिल्म भी थी। दिलवाले ने क्रिसमस की मुद्दत से एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी, मजा, सिनेमाटोग्राफी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ मस्बत जायजे मिले। लेकिन इसकी कहानी स्क्रीन प्ले पर तनकीद, ये बैरून मुल्क 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 376 करोड़ की ज़्यादा की कमाई की और अब तक की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म फेयर अवार्ड में दिलवाले ने 5 नामजदगियाँ हासिल की जिनमें बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान और बेहतरीन अदाकारा काजोल शामिल है। गाइस अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी। अगर इस फिल्म के राइटर की बात करें तो इस फिल्म को जिसने और राइट किया है उनका नाम है यूनिस सजावल जिन्होंने इस फिल्म को राइट किया है और डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है जी फरहाद सजाद ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। अगर स्टोरी प्ले की बात कर ली जाए तो स्टोरी प्ले जिन्होंने की है वो है जी के सुभाष और प्रोड्यूस्ड बाई गौरी खान इनके शाहरुख खान की बीवी एंड रोहित शेट्टी। अगर मेन किरदारों की बात कर ली जाए तो मेन किरदारों में आपको नजर आएंगी काजोल, शाहरुख खान, कृति सनन, वर्धन धवन। अगर सिनेमाटोग्राफी की बात कर लें तो सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की जिसने की है उनका नाम है ड्यूली। अगर एडिट की बात की जाए तो इस फिल्म को जिसने एडिट किया है उनका नाम है बुंटी और नागी। अगर म्यूज़िक की बात कर ली जाए तो म्यूज़िक जिन्होंने इसका दिया है वो है जी अमार मोबाइल एंड सॉन्ग की बात कर लीजिए तो सॉन्ग प्रीतम ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर लीजिए तो रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पर ये मूवी आप जाकर देख सकते हैं, रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस पर भी आप ये मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से ये दी गई और इसकी जो रिलीज डेट है वो है दोस्तों 18 दिसंबर 2015 इंडिया में इसको रिलीज किया। 154 मिनट की स्टोरी पर मोहित ये स्टोरी है, लॉन्ग मूवी है और इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ही है।
और इसके अलावा कंट्रीज की बहारत है और इसको हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया, बाद में फिर मुख्तलिफ जबानों में आपको पता है कि डब कर दिया जाता है। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 75 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस में 378 करोड़ का बिजनेस किया। वाओ, अच्छा बिजनेस करके बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा दे के जिस किसी ने भी इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में काजल एज अ मीरा मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शाहरुख खान एज अ राज कोहली के रोल में आपको नजर आएंगे बख्शी, एंड क्रिस्टी सनन एज अ इशिता इशु मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, वरुण दुहान एज अ वीर बख्शी के रोल में आपको नजर आने वाले हैं, एंड नेक्स्ट की बात कर लें विनोद खन्ना एज अ रणधीर बख्शी कोहली एंड वीर फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड कबीर बेदी एज अ देव मलिक एंड मीरा एंड इशिता फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड वरुण शर्मा एज अ सिद्धार्थ सद्दू सिंगल के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड जॉनी लेवर एज अ मिनी ट्रिप्टी के रोल में आपको नजर आएंगे, बोहमान ईरानी एज अ किंग भतचिया के रोल में आपको नजर आएंगे, मिखेश तैवरी एज अ शक्ति सेगल के रोल में आपको नजर आएंगे, पंकज जो है ना वो आपको अनवर अली मिर्जा के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड इसके बाद एंड संजय मिश्रा एज अ ओस्कार कोस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे, नवाब शाह एज अ रंगाव शखर के रोल में आपको नजर आएंगे। तो इस कैरेक्टर मूवी में जिसने जो कैरेक्टर किया वो भी हमने आपको बताया। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा इस फिल्म दिन के दिल वाले में कि वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं, यानी कि शाहरुख खान और वरुण धवन भाई हैं, जो गोवा में कार ट्यूनर्स के तौर पर काम करते हैं। वीर की मुलाकात इशाती नामी एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़की से होती है जहां वो इसकी मदद करता है, लेकिन इस अमल में एक गाक की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तपस्या के तौर पर राज वीर को रात में गाड़ी ठीक करने पर मजबूर करता है। वीर गाड़ी को ठीक करते हुए सो जाता है और जब वो बीदार होता है तो इससे मालूम होता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। दरअसल वीर किंग नामी मंशात फरोज के साथ झगड़ा में पड़ जाता है। वो अपने चंद हवारियों को मारता है जिन्होंने इशिता को धमकी दी और बाहर निकल गया। राज ने लड़ाई तोड़ दी और इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया। राज को बादशाह के ठिकाने का पता चलता है जहां वो अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ मिलकर गैंग के अरकान को मार डालता है और इनका जखीरा जला देता है। राज खुद को काली जहर करता है। इसके और वीर के दरमियान झगड़े की वजह से बादशाह को राज पर काली होने का शबा है। तहम राज की आजसी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो बेजर है और वो इनके तहफ़ के बदले इनकी गाड़ी ठीक करने का सौदा करता है। बल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नामी क्राइम बॉस के बेटे हैं। राज रणधीर के हरीफ दियो नारायण के मलिक के साथ इनके 2000 ताकुब में से एक के दौरान मीरा से मिल जाता है। वो इसके साथ प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अपने वालिद को खप की तरसील के दौरान राज परदेव के मरीदों ने हमला किया जहां मीरा ने इंकशाफ किया कि वो मलिक की बेटी थी और इसने राज से झूठ बोला। वो राज की जिंदगी को बचाती है क्योंकि ये इसकी सालगिरह थी। इसके फौरन बाद राज का मुकाबला मीरा से होता है। इसने अपनी गाड़ी में मीरा का पीछा किया और इसकी जान बचाई जब वो तकरीबन एक पहाड़ से गिर गई। वो इससे कहता है कि इससे दोबारा कभी ना मिलना वरना वो इससे मार डालेगा। मीरा
पछतावा से मगलूब राज के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है, जो बलाखिर इसे माफ कर देती है। राज और मीरा ने अंधीर और दीव से अपने ताल्लुकात का इंकशाफ किया, जो एक दूसरे से मिलने पर राजी है। तहम दीव राज और इसके वालिद को फेरिंग के तबादले में मारने की कोशिश करता है। दीव और रणधीर एक दूसरे को गोली मार कर हला कर देते हैं। जब मीरा राज को दीव के जिस्म के पास से बंदूक पकड़े हुए देखती है, तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने इसे धोखा दिया है और इसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शुक्ति और अनवर इसे माजी को भुला कर वीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने पर राजी करते हैं। मौजूदा वीर को पता चलता है कि इसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू जो चोर था, इसने कार के पुर्जे चुराए थे, लेकिन इसे बचाता है क्योंकि सिद्धू ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी के लिए किया था। वीर ने अशिता को प्रपोज किया। राज को इनके ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। वो अशिता के खानदान से मिलने का फैसला करता है। तहम अशिता का खानदान मीरा है, इसकी बड़ी बहन। राज से मिलने के बाद मीरा ने फौरी तौर पर अशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर दिया। वीर और अशिता ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई बहन एक दूसरे से इतना नापसंद क्यों करते हैं। वीर और सुधु शक्ति और अनवर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो घबराते हैं और एक मजाका खेस कहानी बनाते हैं कि राज रामलाल नाम का धोबी था और मीर पागू नामी लड़की थी जिसने इसे पैसों के लिए छोड़ दिया। वीर और अशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मनसूबा बंदी की, लेकिन वो नाकाम रहे। बनी राज लेफ्टिनेंट बादशाह की कारों में से एक चोरी करता है और इसे दुकान पर लाता है। वीर मनी और सिद्धू ने कार के डैगलेट में मंशा ड्राफ्ट की और इन्हें जला दिया। ये महसूस करने पर कि अशिता दीर से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि ये अशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा और राज को इस अमल में छोड़कर जाना चाहिए। जैसा एक गुस्से में वीर बाहर निकलता है, मीरा ने वीर को बताया कि राज दरअसल रणधीर का गोद लिया हुआ बेटा था और वो वीर का हयातियाती भाई नहीं है। राज ने इसकी तस्दीक की, दोनों भाई गले लग गए। राज अपने भाई के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने पर मीरा का सामना करता है। इसने इसे बताया कि वो बेकसूर है और इसने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया। मलिक का दिया हाथ रागु राज के बेगुनाही को जहर करता है और मीरा जो हकीकत को जानती है अशिता को राज घर ले जाती है और ऐलान करती है कि वीर शादी के बाद राज अशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफ़ी मांगती है और वो इसे फौरन माफ़ कर देता। एक चर्च में सिद्धू और इसकी गर्लफ्रेंड जीनी की शादी के मौके पर किंग अपनी कार जो शादी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी को ढूंढता है और मनी स्कर और वीर को लेकर आता है। ये जानने का मुतालबा करता है कि इसने मंशा। जब इसे मालूम होता है कि क्या हुआ है तो वो अपना गुस्सा खो देता है। एक लड़ाई होती है जहां राज अपने आप को गोली के तौर पर काली के तौर पर जहर करता है और बादशाह को मारता है। बादशाह राज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा को गोली लगती है और बादशाह को मारा पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा अस्पताल में दाखिल है जहां वो सेहत याब होकर राज के साथ दोबारा मिल जाती है। दोस्तों, ये है इस मूवी की मुकम्मल स्टोरी, जो कि हमने आपको बताया। मूवी भी अच्छी है, इसके सॉन्ग भी अच्छी हैं, स्टोरी भी अच्छी है और इसके अलावा एक्टर भी बड़े बड़े हैं। चारों जो है वो मने हुए एक्टर हैं। इसकी वजह से फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म अच्छी है। लेकिन आप जब देखेंगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। दिल वाले 2015 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसकी हिदायत करी
रोहित शेट्टी ने की है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सीनन और वर्धन धवन शामिल हैं, जबकि मनु धोना, बोमन ईरानी, कबीर बेदी और जॉनी जूनी लेवर मुख्य किरदारों में नजर आते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना की 27 अप्रैल 2017 की मौत से पहले की आखिरी फिल्म भी थी। दिलवाले ने क्रिसमस की मुद्दत से एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी, मजा, सिनेमाटोग्राफी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ मस्बत जायजे मिले। लेकिन इसकी कहानी स्क्रीन प्ले पर तनकीद, ये बैरून मुल्क 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 376 करोड़ की ज़्यादा की कमाई की और अब तक की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म फेयर अवार्ड में दिलवाले ने 5 नामजदगियाँ हासिल की, जिनमें बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान और बेहतरीन अदाकारा काजोल शामिल है। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी। अगर इस फिल्म के राइटर की बात करें तो इस फिल्म को जिसने राइट किया है उनका नाम है यूनिस सजावल, जिन्होंने इस फिल्म को राइट किया है। और डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है जी फरहाद सजाद ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। अगर स्टोरी प्ले की बात कर ली जाए तो स्टोरी प्ले जिन्होंने की है वो है जी के सुभाष और प्रोड्यूस्ड बाई गौरी खान, यानी कि शाहरुख खान की बीवी, एंड रोहित शेट्टी। अगर मेन किरदारों की बात कर ली जाए तो मेन किरदारों में आपको नजर आएंगी काजोल, शाहरुख खान, कृति सनन, वर्धन धवन। अगर सिनेमाटोग्राफी की बात कर लें तो सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की जिसने की है उनका नाम है ड्यूली। अगर एडिट की बात की जाए तो इस फिल्म को जिसने एडिट किया है उनका नाम है बुंटी नागी। अगर म्यूज़िक की बात कर लीजिए तो म्यूज़िक जिन्होंने इसका दिया है वो है जी अमार मोबाइल, एंड सॉन्ग की बात कर लीजिए तो सॉन्ग प्रीतम ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर लीजिए तो रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पर ये मूवी आप जाकर देख सकते हैं, रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस पर भी आप ये मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से ये दी गई और इसकी जो रिलीज डेट है वो है दोस्तों दिसंबर 18, 2015 इंडिया में इसको रिलीज किया गया। 154 मिनट की स्टोरी पर मोहित ये स्टोरी है, लॉन्ग मूवी है और इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ही है। और इसके अलावा कंट्रीज की बहारत है और इसको हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया, बाद में फिर मुख्त जबानों में आपको पता है कि डब कर दिया जाता है। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 75 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस में 378 करोड़ का बिजनेस किया। वाओ, अच्छा बिजनेस करके बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा दे के जिस किसी ने भी इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में काजल एज अ मीरा मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शाहरुख खान एज अ राज काली के रोल में आपको नजर आएंगे बख्शी, एंड कृति सनन एज अ इशिता इशु मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, वरुण धवन एज अ वीर बख्शी के रोल में आपको नजर आने वाले हैं, एंड नेक्स्ट की बात कर लें विनोद खन्ना एज अ रणधीर बख्शी काली एंड वीर फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड कबीर बेदी एज अ देव मलिक एंड मीरा एंड इशिता फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड वरुण शर्मा एज अ सिद्धार्थ सद्दू सिंगल के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड जॉनी लेवर एज अ मिनी ट्रिप्टी के रोल में आपको नजर आएंगे, बोहमन ईरानी एज अ किंग भतचिया के रोल में आपको नजर आएंगे, मिखेश तैवरी एज अ शक्ति सेघल के रोल में आपको नजर आएंगे, पंकज जो है ना वो आपको अनवर अली मिर्जा के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड इसके बाद एंड संजय मिश्रा एज अ
ओस्कार कोस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे, नवाब शाह एज अ रंगाव शखर के रोल में आपको नजर आएंगे। तो इस कैरेक्टर मूवी में जिसने जो कैरेक्टर किया वो भी हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा इस फिल्म दिन के दिल वाले में कि वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं, यानी कि शाहरुख खान और वरुण धवन भाई हैं, जो गोवा में कार ट्यूनर्स के तौर पर काम करते हैं। वीर की मुलाकात इशाती नामी एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़की से होती है, जहां वो इसकी मदद करता है, लेकिन इस अमल में एक गाक की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तपस्या के तौर पर राज वीर को रात में गाड़ी ठीक करने पर मजबूर करता है। वीर गाड़ी को ठीक करते हुए सो जाता है और जब वो बीदार होता है तो उससे मालूम होता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। दरअसल वीर किंग नामी मनशात फरोज के साथ झगड़ा में पड़ जाता है। वो अपने चंद हवारियों को मारता है जिन्होंने शीता को धमकी दी और बाहर निकल गया। राज ने लड़ाई तोड़ दी और इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया। राज को बादशाह के ठिकाने का पता चलता है, जहां वो अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ मिलकर गैंग के अरकान को मार डालता है और इनका जखीरा जला देता है। राज खुद को काली जहर करता है। इसके और वीर के दरमियान झगड़े की वजह से बादशाह को राज पर काली होने का शबा है। तहम राज की आजसी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो बेजर है और वो इनके तहफ़ के बदले इनकी गाड़ी ठीक करने का सौदा करता है। बल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नामी क्राइम बॉस के बेटे हैं। राज रणधीर के हरीफ दियो नारायण के मलिक के साथ इनके 2000 ताकुब में से एक के दौरान मीरा से मिल जाता है। वो इसके साथ प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अपने वालिद को खप की तरसील के दौरान राज पर देव के मरीदों ने हमला किया, जहां मीरा ने इंकशाफ किया कि वो मलिक की बेटी थी और इसने राज से झूठ बोला। वो राज की जिंदगी को बचाती है क्योंकि ये इसकी सालगिरह थी। इसके फौरन बाद राज का मुकाबला मीरा से होता है। इसने अपनी गाड़ी में मीरा का पीछा किया और इसकी जान बचाई जब वो तकरीबन एक पहाड़ से गिर गई। वो इससे कहता है कि इससे दोबारा कभी ना मिलना वरना वो इससे मार डालेगा। मीरा पछतावा से मगलूब राज के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है, जो बलाखिर इसे माफ कर देती है। राज और मीरा ने अंधीर और दीव से अपने ताल्लुकात का इंकशाफ किया, जो एक दूसरे से मिलने पर राजी है। तहम दीव राज और इसके वालिद को फायरिंग के तबादले में मारने की कोशिश करता है। दीव और अंधीर एक दूसरे को गोली मार कर हला कर देते हैं। जब मीरा राज को दीव के जिस्म के पास से बंदूक पकड़े हुए देखती है तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने इसे धोखा दिया है और इसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शुक्ति और अनवर इसे माजी को भुलाकर वीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने पर राजी करते हैं। मौजूदा वीर को पता चलता है कि इसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू जो चोर था इसने कार के पुर्जे चुराए थे, लेकिन इसे बचाता है क्योंकि सिद्धू ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी के लिए किया था। वीर ने शीता को प्रपोज किया। राज को इनके ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। वो अशिता के खानदान से मिलने का फैसला करता है। तहम अशिता का खानदान मीरा है, इसकी बड़ी बहन। राज से मिलने के बाद मीरा ने फौरी तौर पर अशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर दिया। वीर और शीता ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई बहन एक दूसरे से इतना नापसंद क्यों करते हैं। वीर और सुधु शक्ति और अनवर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो घबराते हैं और एक मजाक का खेस कहानी बनाते हैं कि राज रामलाल नाम का धोबी था और मीर पागु नामी लड़की थी जिसने इसे
पैसों के लिए छोड़ दिया। वीर और अशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मनसूबा बंदी की, लेकिन वो नाकाम रहे। मनीराज लेफ्टिनेंट बादशाह की कारों में से एक चोरी करता है और इसे दुकान पर लाता है। वीर, मनी और सिद्धू ने कार के डैगलेट में मनशा ड्राफ्ट की और इन्हें जला दिया। ये महसूस करने पर कि अशिता दी से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि ये अशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा और राज को इस अमल में छोड़कर जाना चाहिए। जैसा एक गुस्से में वीर बाहर निकलता है, मीरा ने वीर को बताया कि राज दरअसल रणधीर का गोद लिया हुआ बेटा था और वो वीर का हयातियाती भाई नहीं है। राज ने इसकी तस्दीक की, दोनों भाई गले लग गए। नाराज राज अपने भाई के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने पर मीरा का सामना करता है। इसने इसे बताया कि वो बेकसूर है और इसने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया। मलिक का दिया हाथ रागु राज के बेगुनाही को जहर करता है और मीरा जो हकीकत को जानती है अशिता को राज घर ले जाती है और ऐलान करती है कि वीर शादी के बाद राज अशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफ़ी मांगती है और वो इसे फौरन माफ़ कर देता। एक चर्च में सिद्धू और इसकी गर्लफ्रेंड जीनी की शादी के मौके पर किंग अपनी कार जो शादी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी को ढूंढता है और मनी स्कर और वीर को लेकर आता है। ये जानने का मुतालबा करता है कि इसने मनशात, जब इसे मालूम होता है कि क्या हुआ है तो वो अपना गुस्सा खो देता है। एक लड़ाई होती है जहां राज अपने आप को गोली के तौर पर काली के तौर पर जहर करता है और बादशाह को मारता है। बादशाह राज को मारने की कोशिश करता है लेकिन मीरा को गोली लगती है और बादशाह को मारा पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा अस्पताल में दाखिल है जहां वो सेहत याब होकर राज के साथ दोबारा मिल जाती है। दोस्तों, यह है इस मूवी की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। मूवी भी अच्छी है, इसके सॉन्ग भी अच्छी हैं, स्टोरी भी अच्छी है और इसके अलावा एक्टर भी बड़े बड़े हैं, चारों जो है वो मने हुए एक्टर हैं। इसके वजह से फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म अच्छी है। लेकिन आप जब देखेंगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। दिलवाले 2015 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सीनन और वर्धन धवन शामिल हैं, जबकि मनु धोना, बोमन ईरानी, कबीर बेदी और जॉनी जूनी लेवर मामे किरदारों में नजर आते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना की 27 अप्रैल 2017 की मौत से पहले की आखिरी फिल्म भी थी। दिलवाले ने क्रिसमस की मुद्दत से एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी, मजा, सिनेमाटोग्राफी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ मस्बत जायजे मिले। लेकिन इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले पर तनकीद, ये बैरून मुल्क 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 376 करोड़ की ज़्यादा की कमाई की और अब तक की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म फेयर अवार्ड में दिलवाले ने 5 नामजदगियाँ हासिल की, जिनमें बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान और बेहतरीन अदाकारा काजोल शामिल हैं। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी। अगर इस फिल्म के राइटर की बात करें तो इस फिल्म को जिसने राइट किया है उनका नाम है यूनिस सजावल, जिन्होंने इस फिल्म को राइट किया है। और डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है जी फरहाद सजाद ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। अगर स्टोरी प्ले की बात कर ली जाए तो स्टोरी प्ले जिन्होंने की है वो है जी के सुभाष और प्रोड्यूस्ड बाई गौरी खान, इनके शाहरुख खान की बीवी, एंड रोहित शेट्टी।
अगर मेन किरदारों की बात कर ली जाए तो मेन किरदारों में आपको नजर आएंगी काजोल, शाहरुख खान, कृति सनन, वर्धन दुहान। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर लें तो सिनेमोग्राफी इस फिल्म की जिसने की है उनका नाम है ड्यूली। अगर एडिट की बात की जाए तो इस फिल्म को जिसने एडिट किया है उनका नाम है बुंटी नागी। अगर म्यूज़िक की बात कर लीजिए तो म्यूज़िक जिन्होंने इसका दिया है वो है जी अमार मोबाइल। एंड सॉन्ग की बात कर लीजिए तो सॉन्ग प्रीतम ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर लीजिए तो रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पर ये मूवी आप जाकर देख सकते हैं। रोहित शिटी प्रोडक्शंस पर भी आप ये मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से ये दी गई और इसकी जो रिलीज डेट है वो है दोस्तों दिसंबर 18 2015 इंडिया में इसको रिलीज किया गया। 154 मिनट की स्टोरी पर मोहित ये स्टोरी है। लॉन्ग मूवी है और इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ही है। और इसके अलावा कंट्रीज की बहारत है और इसको हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया, बाद में फिर मुख्तलिफ जबानों में आपको पता है कि डब कर दिया जाता है। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 75 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस में 378 करोड़ का बिजनेस किया। वाओ, अच्छा बिजनेस करके बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा दे के जिस किसी ने भी इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में काजल एज अ मीरा मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शाहरुख खान एज अ राज काली के रोल में आपको नजर आएंगे बख्शी, एंड क्रिस्टी सनन एज अ इशिता इशू मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, वरवन दुहान एज अ वीर बख्शी के रोल में आपको नजर आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट की बात कर लें विनोद खन्ना एज अ रणधीर बख्शी काली एंड वीर फ्रेंड फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड कबीर बेदी एज अ देव मलिक एंड मीरा एंड इशिता फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड वरवन शर्मा एज अ सिद्धार्थ सद्दू सिंगल के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड जॉनी लेवर एज अ मिनी ट्रिप्टी के रोल में आपको नजर आएंगे, बोहमान ईरानी एज अ किंग भतचिया के रोल में आपको नजर आएंगे, मिखेश तैवरी एज अ शिक्ति सेगल के रोल में आपको नजर आएंगे, पंकज जो है ना वो आपको अनवर अली मिर्जा के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड इसके बाद एंड संजय मिश्रा एज अ ओस्कार कोस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे, नवाब शाह एज अ रंगाव शखर के रोल में आपको नजर आएंगे। तो इस कैरेक्टर मूवी में जिसने जो कैरेक्टर किया वो भी हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर स्टोरी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा इस फिल्म दिन के दिल वाले में कि वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं, यानी कि शाहरुख खान और वरवन दुहान भाई हैं, जो गोवा में कार ट्यूनर्स के तौर पर काम करते हैं। वीर की मुलाकात इशाती नामी एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़की से होती है जहां वो इसकी मदद करता है, लेकिन इस अमल में एक गाक की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तपस्या के तौर पर राज वीर को रात में गाड़ी ठीक करने पर मजबूर करता है। वीर गाड़ी को ठीक करते हुए सो जाता है और जब वो बीदार होता है तो इससे मालूम होता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। दरअसल वीर किंग नामी मंशात फरोज के साथ झगड़ा में पड़ जाता है। वो अपने चंद हवारियों को मारता है जिन्होंने इशिता को धमकी दी और बाहर निकल गया। राज ने लड़ाई तोड़ दी और इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया। राज को बादशाह के ठिकाने का पता चलता है जहां वो अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ मिलकर गैंग के अरकान को मार डालता है और इनका जखीरा जला देता है। राज खुद को काली जहर करता है। इसके और वीर के दरमियान झगड़े की वजह से बादशाह को राज पर काली होने का शबा है। तहम राज की आजसी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो बेजर है।
और वो इनके तहफ़ के बदले इनकी गाड़ी ठीक करने का सौदा करता है। बल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नामी क्राइम बॉस के बेटे हैं। राज रणधीर के हरीफ दियो नारायण के मलिक के साथ इनके 2000 ताकुब में से एक के दौरान मीरा से मिल जाता है। वो इसके साथ प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अपने वालिद को खपत की तरसील के दौरान राज परदेव के मरीदों ने हमला किया, जहां मीरा ने इंकशाफ किया कि वो मलिक की बेटी थी और इसने राज से झूठ बोला। वो राज की जिंदगी को बचाती है क्योंकि ये इसकी सालगिरह थी। इसके फौरन बाद राज का मुकाबला मीरा से होता है। इसने अपनी गाड़ी में मीरा का पीछा किया और इसकी जान बचाई जब वो तकरीबन एक पहाड़ से गिर गई। वो इससे कहता है कि इससे दोबारा कभी ना मिलना वरना वो इससे मार डालेगा। मीरा पछतावा से मगलूब राज के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है, जो बलाखिर इसे माफ़ कर देती है। राज और मीरा ने अंधीर और दीव से अपने ताल्लुकात का इंकशाफ किया, जो एक दूसरे से मिलने पर राजी है। तहम दीव राज और इसके वालिद को फायरिंग के तबादले में मारने की कोशिश करता है। दीव और अंधीर एक दूसरे को गोली मारकर हला कर देते हैं। जब मीरा राज को दीव के जिस्म के पास से बंदूक पकड़े हुए देखती है तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने इसे धोखा दिया है और इसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शुक्ति और अनवर इसे माजी को भुलाकर वीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने पर राजी करते हैं। मौजूदा वीर को पता चलता है कि इसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू जो चोर था इसने कार के पुर्जे चुराए थे, लेकिन इसे बचाता है क्योंकि सिद्धू ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी के लिए किया था। वीर ने अशिता को प्रपोज किया। राज को इनके ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। वो अशिता के ख़ानदान से मिलने का फैसला करता है। तहम अशिता का ख़ानदान मीरा है, इसकी बड़ी बहन। राज से मिलने के बाद मीरा ने फौरी तौर पर अशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर दिया। वीर और अशिता ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई बहन एक दूसरे से इतना नापसंद क्यों करते हैं। वीर और सिद्धू शिक्ति और अनवर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो घबराते हैं और एक मजाका खेस कहानी बनाते हैं कि राज रामलाल नाम का धोबी था और मीर पागू नामी लड़की थी जिसने इसे पैसों के लिए छोड़ दिया। वीर और अशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मंसूबा बंदी की, लेकिन वो नाकाम रहे। मनी राज लेफ्टिनेंट बादशाह की कारों में से एक चोरी करता है और इसे दुकान पर लाता है। वीर मनी और सिद्धू ने कार के डैगलेट में मंशा द्राफ्त की और इन्हें जला दिया। ये महसूस करने पर के अशिता दीर से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि ये अशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा और राज को इस अमल में छोड़कर जाना चाहिए। जैसे एक गुस्से में वीर बाहर निकलता है, मीरा ने वीर को बताया कि राज दरअसल रणधीर का गोद लिया हुआ बेटा था और वो वीर का हयातियाती भाई नहीं है। राज ने इसकी तस्दीक की, दोनों भाई गले लग गए। राज अपने भाई के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने पर मीरा का सामना करता है। इसने इसे बताया कि वो बेकसूर है और इसने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया। मलिक का दिया हाथ रागू राज के बेगुनाही को जहर करता है और मीरा जो हकीकत को जानती है अशिता को राज घर ले जाती है और ऐलान करती है कि वीर शादी के बाद राज अशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफ़ी मांगती है और वो इसे फौरन माफ़ कर देता। एक चर्च में सिद्धू और इसकी गर्लफ्रेंड जीनी की शादी के मौके पर किंग अपनी कार जो शादी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी को ढूंढता है और मनी स्कर और वीर को लेकर आता है।
ये जानने का मुतालबा करता है कि इसने मंशात, जब इसे मालूम होता है कि क्या हुआ है तो वो अपना गुस्सा खो देता है। एक लड़ाई होती है जहां राज अपने आप को गोली के तौर पर, काली के तौर पर जहर करता है और बादशाह को मारता है। बादशाह राज को मारने की कोशिश करता है लेकिन मीरा को गोली लगती है और बादशाह को मारा पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा अस्पताल में दाखिल है जहां वो सेहत याब होकर राज के साथ दोबारा मिल जाती है। दोस्तों ये है इस मूवी की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। मूवी भी अच्छी है, इसके सॉन्ग भी अच्छी हैं, स्टोरी भी अच्छी है और इसके अलावा एक्टर भी बड़े बड़े हैं, चारों जो है वो मने हुए एक्टर हैं। इसकी वजह से फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म अच्छी है। लेकिन आप जब देखेंगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। दिलवाले 2015 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसकी हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सीनन और वर्धन धवन शामिल हैं, जबकि मनु धोना, बोमन ईरानी, कबीर बेदी और जॉनी जूनी लेवर मुख्य किरदारों में नजर आते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना की 27 अप्रैल 2017 की मौत से पहले की आखिरी फिल्म भी थी। दिलवाले ने क्रिसमस की मुद्दत से एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी, मज़ा, सिनेमाटोग्राफी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ मस्बत जायजे मिले। लेकिन इसकी कहानी स्क्रीन प्ले पर तनकीद, ये बैरून मुल्क 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 376 करोड़ की ज़्यादा की कमाई की और अब तक की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म फेयर अवार्ड में दिलवाले ने 5 नामजदगियाँ हासिल की, जिनमें बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान और बेहतरीन अदाकारा काजोल शामिल है। गाइस अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी। अगर इस फिल्म के राइटर की बात करें तो इस फिल्म को जिसने राइट किया है उनका नाम है यूनिस सजावल जिन्होंने इस फिल्म को राइट किया है और डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है जी फरहाद सजाद ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। अगर स्टोरी प्ले की बात कर ली जाए तो स्टोरी प्ले जिन्होंने की है वो है जी के सुभाष और प्रोड्यूस्ड बाई गौरी खान इनके शाहरुख खान की बीवी एंड रोहित शेट्टी। अगर मेन किरदारों की बात कर ली जाए तो मेन किरदारों में आपको नजर आएंगी काजोल, शाहरुख खान, कृति सनन, वर्धन धवन। अगर सिनेमाटोग्राफी की बात कर लें तो सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की जिसने की है उनका नाम है ड्यूली। अगर एडिट की बात की जाए तो इस फिल्म को जिसने एडिट किया है उनका नाम है बुंटी और नागी। अगर म्यूज़िक की बात कर ली जाए तो म्यूज़िक जिन्होंने इसका दिया है वो है जी अमार मोबाइल एंड सॉन्ग की बात कर लीजिए तो सॉन्ग प्रीतम ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर लीजिए तो रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पर ये मूवी आप जाकर देख सकते हैं, रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस पर भी आप ये मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से ये दी गई और इसकी जो रिलीज डेट है वो है दोस्तों 18 दिसंबर 2015 इंडिया में इसको रिलीज किया गया। 154 मिनट की स्टोरी पर मोहित ये स्टोरी है, लॉन्ग मूवी है और इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ही है। और इसके अलावा कंट्रीज की बहारत है और इसको हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया, बाद में फिर मुख्तलिफ जबानों में आपको पता है कि डब कर दिया जाता है। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 75 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस में 378 करोड़ का बिजनेस किया। वाओ, अच्छा बिजनेस करके बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा दे के जिस किसी ने भी इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में काजल एज अ मीरा मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शाहरुख खान एज अ राज काली के रोल में आपको नजर आएंगे बख्शी एंड कृति सनन एज अ इशिता इशू मलिक के रोल में आपको नजर आएंगी
वरुण दुहान एज अ वीर बख्शी के रोल में आपको नजर आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट की बात कर लें, विनोद खन्ना एज अ रणधीर बख्शी काली एंड वीर फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड कबीर बेदी एज अ देव मलिक एंड मीरा एंड इशिता फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड वरुण शर्मा एज अ सिद्धार्थ सद्दू सिंगल के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड जॉनी लेवर एज अ मिनी ट्रिप्टी के रोल में आपको नजर आएंगे। बोहमान ईरानी एज अ किंग भतचिया के रोल में आपको नजर आएंगे। मिखेश तैवरी एज अ शक्ति सेगल के रोल में आपको नजर आएंगे। पंकज जो है ना वो आपको अनवर अली मिर्जा के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड इसके बाद एंड संजय मिश्रा एज अ ओस्कार कोस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे। नवाब शाह एज अ रंगाव शखर के रोल में आपको नजर आएंगे। तो इस कैरेक्टर मूवी में जिसने जो कैरेक्टर किया वो भी हमने आपको बताया। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा इस फिल्म दिन के दिल वाले में कि वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं, यानी कि शाहरुख खान और वरुण धवन भाई हैं, जो गोवा में कार ट्यूनर्स के तौर पर काम करते हैं। वीर की मुलाकात इशाती नामी एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़की से होती है, जहां वो इसकी मदद करता है, लेकिन इस अमल में एक गाक की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तपस्या के तौर पर राज वीर को रात में गाड़ी ठीक करने पर मजबूर करता है। वीर गाड़ी को ठीक करते हुए सो जाता है और जब वो बीदार होता है तो इससे मालूम होता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। दरअसल वीर किंग नामी मंशात फरोज के साथ झगड़ा में पड़ जाता है। वो अपने चंद हवारियों को मारता है जिन्होंने शीता को धमकी दी और बाहर निकल गया। राज ने लड़ाई तोड़ दी और इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया। राज को बादशाह के ठिकाने का पता चलता है, जहां वो अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ मिलकर गैंग के अरकान को मार डालता है और इनका जखीरा जला देता है। राज खुद को काली जहर करता है। इसके और वीर के दरमियान झगड़े की वजह से बादशाह को राज पर काली होने का शबा है। तहम राज की आजसी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो बेजर है और वो इनके तहफ़ के बदले इनकी गाड़ी ठीक करने का सौदा करता है। बल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नामी क्राइम बॉस के बेटे हैं। राज रणधीर के हरीफ दियो नारायण के मलिक के साथ इनके 2000 ताकुब में से एक के दौरान मीरा से मिल जाता है। वो इसके साथ प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अपने वालिद को खप की तरसील के दौरान राज परदेव के मरीदों ने हमला किया, जहां मीरा ने इंकशाफ किया कि वो मलिक की बेटी थी और इसने राज से झूठ बोला। वो राज की जिंदगी को बचाती है क्योंकि ये इसकी सालगिरह थी। इसके फौरन बाद राज का मुकाबला मीरा से होता है। इसने अपनी गाड़ी में मीरा का पीछा किया और इसकी जान बचाई जब वो तकरीबन एक पहाड़ से गिर गई। वो इससे कहता है कि इससे दोबारा कभी ना मिलना वरना वो इससे मार डालेगा। मीरा पछतावा से मगलूब राज के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है, जो बलाखिर इसे माफ कर देती है। राज और मीरा ने रणधीर और दीव से अपने ताल्लुकात का इंकशाफ किया, जो एक दूसरे से मिलने पर राजी है। तहम दीव राज और इसके वालिद को फायरिंग के तबादले में मारने की कोशिश करता है। दीव और रणधीर एक दूसरे को गोली मार कर हला कर देते हैं। जब मीरा राज को दीव के जिस्म के पास बंदूक पकड़े हुए देखती है तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने इसे धोखा दिया है और इसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शुक्ति और अनवर इसे माजी को भुलाकर वीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने पर राजी करते हैं।
मौजूदा वीर को पता चलता है कि इसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू जो चोर था इसने कार के पुर्जे चुराए थे, लेकिन इसे बचाता है लै क्योंकि सिद्धू ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी के लिए किया था। वीर ने अशिता को प्रपोज किया। राज को इनके ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। वो अशिता के खानदान से मिलने का फैसला करता है। तहम अशिता का खानदान मीरा है, इसकी बड़ी बहन। राज से मिलने के बाद मीरा ने फौरी तौर पर अशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर दिया। वीर और अशिता ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई बहन एक दूसरे से इतना नापसंद क्यों करते हैं। वीर और सुधु शक्ति और अनवर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो घबराते हैं और एक मजाका खेस कहानी बनाते हैं कि राज रामलाल नाम का धोबी था और मीर बागू नामी लड़की थी जिसने इसे पैसों के लिए छोड़ दिया। वीर और अशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मनसूबा बंदी की, लेकिन वो नाकाम रहे। मनी राज लेफ्टिनेंट बादशाह की कारों में से एक चोरी करता है और इसे दुकान पर लाता है। वीर मनी और सिद्धू ने कार के डैगलेट में मनशा ड्राफ्ट की और इन्हें जला दिया। ये महसूस करने पर कि अशिता दीर से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि ये अशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा और राज को इस अमल में छोड़कर जाना चाहिए। जैसा एक गुस्से में वीर बाहर निकलता है, मीरा ने वीर को बताया कि राज दरअसल रणधीर का गोद लिया हुआ बेटा था और वो वीर का हयातियाती भाई नहीं है। राज ने इसकी तस्दीक की, दोनों भाई गले लग गए। राज अपने भाई के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने पर मीरा का सामना करता है। इसने इसे बताया कि वो बेकसूर है और इसने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया। मलिक का दिया हाथ रागु राज के बेगुनाही को जहर करता है और मीरा जो हकीकत को जानती है अशिता को राज घर ले जाती है और ऐलान करती है कि वीर शादी के बाद राज अशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफ़ी मांगती है और वो इसे फौरन माफ़ कर देता। एक चर्च में सिद्धू और इसकी गर्लफ्रेंड जीनी की शादी के मौके पर किंग अपनी कार जो शादी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी को ढूंढता है और मनी स्कर और वीर को लेकर आता है। ये जानने का मुतालबा करता है कि इसने मंशात। जब इसे मालूम होता है कि क्या हुआ है तो वो अपना गुस्सा खो देता है। एक लड़ाई होती है जहां राज अपने आप को गोली के तौर पर काली के तौर पर जहर करता है और बादशाह को मारता है। बादशाह राज को मारने की कोशिश करता है लेकिन मीरा को गोली लगती है और बादशाह को मारा पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा अस्पताल में दाखिल है जहां वो सेहत याब होकर राज के साथ दोबारा मिल जाती है। दोस्तों ये है इस मूवी की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। मूवी भी अच्छी है, इसके सॉन्ग भी अच्छी हैं, स्टोरी भी अच्छी है और इसके अलावा एक्टर भी बड़े बड़े हैं, चारों जो है वो मने हुए एक्टर हैं। इसकी वजह से फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म अच्छी है। लेकिन आप जब देखेंगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। दिल वाले 2015 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सीनन और वर्धन धुआन शामिल है, जबकि मनु धोना, बोमन ईरानी, कबीर बेदी और जानी जूनी लेवर मुख्य किरदारों में नजर आते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना की 27 अप्रैल 2017 की मौत से पहले की आखिरी फिल्म भी थी। दिलवाले ने क्रिसमस की मुद्दत से एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी, मजा, सिनेमाटोग्राफी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ मस्बत जायजे मिले। लेकिन इसकी कहानी स्क्रीन प्ले पर तनकीद
ये बैरून मुल्क 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 376 करोड़ की ज्यादा की कमाई की और अब तक की 31वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म फेयर अवार्ड में दिलवाले ने 5 नामजदगियां हासिल की, जिनमें बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान और बेहतरीन अदाकारा काजोल शामिल है। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी। अगर इस फिल्म के राइटर की बात करें तो इस फिल्म को जिसने राइट किया है उनका नाम है यूनेश सजावल जिन्होंने इस फिल्म को राइट किया है, और डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है जी फरहाद सजाद ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। अगर स्टोरी प्ले की बात कर ली जाए तो स्टोरी प्ले जिन्होंने की है वो है जी के सुभाष और प्रोड्यूस्ड बाई गौरी खान इनके शाहरुख खान की बीवी एंड रोहित शेट्टी। अगर मेन किरदारों की बात कर ली जाए तो मेन किरदारों में आपको नजर आएंगी काजोल, शाहरुख खान, कृति सनन, वर्धन दुहान। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर लें तो सिनेमोग्राफी इस फिल्म की जिसने की है उनका नाम है ड्यूली। अगर एडिट की बात की जाए तो इस फिल्म को जिसने एडिट किया है उनका नाम है बुंटी नागी। अगर म्यूजिक की बात कर लीजिए तो म्यूजिक जिन्होंने इसका दिया है वो है जी अमार मोबाइल, एंड सॉन्ग की बात कर लीजिए तो सॉन्ग प्रीतम ने दिया। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर लीजिए तो रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पर ये मूवी आप जाकर देख सकते हैं, रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस पर भी आप ये मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से ये दी गई, और इसकी जो रिलीज डेट है वो है दोस्तों दिसंबर 18, 2015 इंडिया में इसको रिलीज किया गया। 154 मिनट की स्टोरी पर मोहित ये स्टोरी है, लॉन्ग मूवी है और इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ही है। और इसके अलावा कंट्रीज की भारत है और इसको हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया, बाद में फिर मुख्य जबानों में आपको पता है कि डब कर दिया जाता है। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 75 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस में 378 करोड़ का बिजनेस किया। वाओ, अच्छा बिजनेस करके बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा दे के जिस किसी ने भी इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में काजल एज अ मीरा मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शाहरुख खान एज अ राज काली के रोल में आपको नजर आएंगे बख्शी, एंड क्रिस्टी सनन एज अ इशिता इशु मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, वरुण दुहान एज अ वीर बख्शी के रोल में आपको नजर आने वाले हैं, एंड नेक्स्ट की बात कर लें विनोद खन्ना एज अ रणधीर बख्शी काली एंड वीर फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड कबीर बेदी एज अ देव मलिक एंड मीरा एंड इशिता फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड वरुण शर्मा एज अ सिद्धार्थ सद्दू सिंगल के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड जॉनी लेवर एज अ मिनी ट्रिप्टी के रोल में आपको नजर आएंगे, बोहमान ईरानी एज अ किंग भतचिया के रोल में आपको नजर आएंगे, मिखेश तैवरी एज अ शक्ति सेघल के रोल में आपको नजर आएंगे, पंकज जो है ना वो आपको अनवर अली मिर्जा के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड इसके बाद एंड संजय मिश्रा एज अ ओस्कार कोस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे, नवाब शाह एज अ रंगाव शखर के रोल में आपको नजर आएंगे। तो इस कैरेक्टर मूवी में जिसने जो कैरेक्टर किया वो भी हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा इस फिल्म दिन के दिल वाले में कि वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं, यानी कि शाहरुख खान और वरुण दुहान भाई हैं, जो गोवा में कार ट्यूनर्स के तौर पर काम करते हैं। वीर की मुलाकात इशाती नामी एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़की से होती है जहां वो इसकी मदद करता है, लेकिन इस अमल में एक गाक की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। द
तपस्या के तौर पर राज वीर को रात में गाड़ी ठीक करने पर मजबूर करता है। वीर गाड़ी को ठीक करते हुए सो जाता है और जब वो बीदार होता है तो उससे मालूम होता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। दरियसना वीर किंग नामी मनशात फरोश के साथ झगड़ा में पड़ जाता है। वो अपने चंद हवारियों को मारता है जिन्होंने शीता को धमकी दी और बाहर निकल गया। राज ने लड़ाई तोड़ दी और इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया। राज को बादशाह के ठिकाने का पता चलता है जहां वो अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ मिलकर गैंग के अरकान को मार डालता है और इनका जखीरा जला देता है। राज खुद को काली जहर करता है। इसके और वीर के दरमियान झगड़े की वजह से बादशाह को राज पर काली होने का शबा है। तहम राज की आजसी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो बेजर है और वो इनके तहफ़ के बदले इनकी गाड़ी ठीक करने का सौदा करता है। बल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नामी क्राइम बॉस के बेटे हैं। राज रणधीर के हरीफ दियो नारायण के मलिक के साथ इनके 2000 ताकुब में से एक के दौरान मीरा से मिल जाता है। वो इसके साथ प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अपने वालिद को खप की तरसील के दौरान राज परदेव के मरीदों ने हमला किया जहां मीरा ने इंकशाफ किया कि वो मलिक की बेटी थी और इसने राज से झूठ बोला। वो राज की ज़िंदगी को बचाती है क्योंकि ये इसकी सालगिरह थी। इसके फौरन बाद राज का मुकाबला मीरा से होता है। इसने अपनी गाड़ी में मीरा का पीछा किया और इसकी जान बचाई जब वो तकरीबन एक पहाड़ से गिर गई। वो इससे कहता है कि इससे दोबारा कभी ना मिलना वरना वो इससे मार डालेगा। मीरा पछतावा से मगलूब राज के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है जो बलाखिर इसे माफ़ कर देती है। राज और मीरा ने अंधीर और दीव से अपने ताल्लुकात का इंकशाफ किया जो एक दूसरे से मिलने पर राजी है। तहम दीव राज और इसके वालिद को फायरिंग के तबादले में मारने की कोशिश करता है। दीव और अंधीर एक दूसरे को गोली मार कर हला कर देते हैं। जब मीरा राज को दीव के जिस्म के पास बंदूक पकड़े हुए देखती है तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने इसे धोखा दिया है और इसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शुक्ति और अनवर इसे माजी को भुलाकर वीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने पर राजी करते हैं। मौजूदा वीर को पता चलता है कि इसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू जो चोर था इसने कार के पुर्जे चुराए थे लेकिन इसे बचाता है क्योंकि सिद्धू ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी के लिए किया था। वीर ने शीता को प्रपोज किया। राज को इनके ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। वो अशिता के ख़ानदान से मिलने का फैसला करता है। तहम अशिता का ख़ानदान मीरा है, इसकी बड़ी बहन। राज से मिलने के बाद मीरा ने फौरी तौर पर अशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर दिया। वीर और शीता ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई बहन एक दूसरे से इतना नापसंद क्यों करते हैं। वीर और सिद्धू शक्ति और अनवर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो घबराते हैं और एक मजाक का खेस कहानी बनाते हैं कि राज रामलाल नाम का धोबी था और मीर पागु नामी लड़की थी जिसने इसे पैसों के लिए छोड़ दिया। वीर और अशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मनसूबाबंदी की लेकिन वो नाकाम रहे। मनी राज लेफ्टिनेंट बादशाह की कारों में से एक चोरी करता है और इसे दुकान पर लाता है। वीर मनी और सिद्धू ने कार के डैगलेट में मनशा ड्राफ्ट की और इन्हें जला दिया। ये महसूस करने पर के अशिता दी से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि ये अशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा और राज को इस अमल में छोड़कर जाना चाहिए। जैसा एक गुस्से में वीर बाहर निकलता है
बीरा ने वीर को बताया कि राज दरअसल रणधीर का गोद लिया हुआ बेटा था और वो वीर का हयातियाती भाई नहीं है। राज ने इसकी तस्दीक की, दोनों भाई गले लग गए। नाराज राज अपने भाई के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने पर मीरा का सामना करता है। इसने इसे बताया कि वो बेकसूर है और इसने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया। मलिक का दिया हाथ रागु राज के बेगुनाही को जहर करता है और मीरा जो हकीकत को जानती है अशिता को राज घर ले जाती है और ऐलान करती है कि वीर शादी के बाद राज अशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफ़ी मांगती है और वो इसे फौरन माफ कर देता। एक चर्च में सिद्धू और इसकी गर्लफ्रेंड जीनी की शादी के मौके पर किंग अपनी कार जो शादी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी को ढूंढता है और मनी स्कर और वीर को ले कर आता है। ये जानने का मुतालबा करता है कि इसने मंशात, जब इसे मालूम होता है कि क्या हुआ है तो वो अपना गुस्सा खो देता है। एक लड़ाई होती है जहां राज अपने आप को गोली के तौर पर काली के तौर पर जहर करता है और बादशाह को मारता है। बादशाह राज को मारने की कोशिश करता है लेकिन मीरा को गोली लगती है और बादशाह को मारा पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा अस्पताल में दाखिल है जहां वो सेहत याब होकर राज के साथ दोबारा मिल जाती है। दोस्तों यह है इस मूवी की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। मूवी भी अच्छी है, इसके सॉन्ग भी अच्छी हैं, स्टोरी भी अच्छी है और इसके अलावा एक्टर भी बड़े बड़े हैं, चारों जो है वो मने हुए एक्टर हैं। इसके वजह से फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म अच्छी है। लेकिन आप जब देखेंगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। दिल वाले 2015 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सीनन और वर्धन धवन शामिल हैं, जबकि मनु धोना, बोमन ईरानी, कबीर बेदी और जॉनी जूनी लेवर मामे के दौर में नजर आते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना की 27 अप्रैल 2017 की मौत से पहले की आखिरी फिल्म भी थी। दिलवाले ने क्रिसमस की मुद्दत से एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी, मजा, सिनेमाटोग्राफी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ मस्बत जायजे मिले। लेकिन इसकी कहानी स्क्रीन प्ले पर तनकीद, ये बैरून मुल्क 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 376 करोड़ की ज़्यादा की कमाई की और अब तक की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म फेयर अवार्ड में दिलवाले ने 5 नामजदगियाँ हासिल की जिनमें बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान और बेहतरीन अदाकारा काजोल शामिल है। गाइस अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी। अगर इस फिल्म के राइटर की बात करें तो इस फिल्म को जिसने राइट किया है उनका नाम है यूनिस सजावल जिन्होंने इस फिल्म को राइट किया है और डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है जी फरहाद सजाद ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। अगर स्टोरी प्ले की बात कर ली जाए तो स्टोरी प्ले जिन्होंने की है वो है जी के सुभाष और प्रोड्यूस्ड बाई गौरी खान इनके शाहरुख खान की बीवी एंड रोहित शेट्टी। अगर मेन किरदारों की बात कर ली जाए तो मेन किरदारों में आपको नजर आएंगी काजोल, शाहरुख खान, कृति सनन, वर्धन धवन। अगर सिनेमाटोग्राफी की बात कर लें तो सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की जिसने की है उनका नाम है जूली। अगर एडिट की बात की जाए तो इस फिल्म को जिसने एडिट किया है उनका नाम है बुंटी नागी। अगर म्यूज़िक की बात कर लीजिए तो म्यूज़िक जिन्होंने इसका दिया है वो है जी अमार मोबाइल एंड सॉन्ग की बात कर लीजिए तो सॉन्ग प्रीतम ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर लीजिए तो रेड चालीस इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पर ये मूवी आप जाकर देख सकते हैं, रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस पर भी आप ये मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय रेड चेलिस इंटरटेनमेंट की तरफ से ये दी गई
और इसकी जो रिलीज डेट है वो है दोस्तों दिसंबर 18, 2015 इंडिया में इसको रिलीज किया गया। 154 मिनट की स्टोरी पर मोहित ये स्टोरी है, लॉन्ग मूवी है और इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ही है। और इसके अलावा कंट्रीज की भारत है और इसको हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया, बाद में फिर मुख्तलिफ जबानों में आपको पता है कि डब कर दिया जाता है। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 75 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस में 378 करोड़ का बिजनेस किया। वाओ, अच्छा बिजनेस करके बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा दे के जिस किसी ने भी इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में काजल एज अ मीरा मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शाहरुख खान एज अ राज काली के रोल में आपको नजर आएंगे बख्शी, एंड क्रिस्टी सनन एज अ इशिता इशू मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, वरुण दुहान एज अ वीर बख्शी के रोल में आपको नजर आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट की बात कर लें विनोद खन्ना एज अ रणधीर बख्शी काली एंड वीर फ्रेंड फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड कबीर बेदी एज अ देव मलिक एंड मीरा एंड इशिता फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड वरुण शर्मा एज अ सिद्धार्थ सद्दू सिंगल के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड जॉनी लेवर एज अ मिनी ट्रिप्टी के रोल में आपको नजर आएंगे, बोहमन ईरानी एज अ किंग भतचिया के रोल में आपको नजर आएंगे, मिखेश तैवरी एज अ शिक्ति सेगल के रोल में आपको नजर आएंगे, पंकज जो है ना वो आपको अनवर अली मिर्जा के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड इसके बाद एंड संजय मिश्रा एज अ ओस्कार कोस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे, नवाब शाह एज अ रंगाव शखर के रोल में आपको नजर आएंगे। तो इस कैरेक्टर मूवी में जिसने जो कैरेक्टर किया वो भी हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा इस फिल्म दिन के दिल वाले में कि वीर बख्शी और राज बख्शी भाई है, यानी कि शाहरुख खान और वरुण दुहान भाई है, जो गोवा में कार ट्यूनर्स के तौर पर काम करते हैं। वीर की मुलाकात इशाती नामी एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़की से होती है जहां वो इसकी मदद करता है, लेकिन इस अमल में एक गाक की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तपस्या के तौर पर राज वीर को रात में गाड़ी ठीक करने पर मजबूर करता है। वीर गाड़ी को ठीक करते हुए सो जाता है और जब वो बीदार होता है तो इससे मालूम होता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। दरअसल वीर किंग नामी मंशात फरोज के साथ झगड़ा में पड़ जाता है, वो अपने चंद हवारियों को मारता है जिन्होंने इशिता को धमकी दी और बाहर निकल गया। राज ने लड़ाई तोड़ दी और इसे अस्पताल में दाखिल कराया। राज को बादशाह के ठिकाने का पता चलता है जहां वो अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ मिलकर गैंग के अरकान को मार डालता है और इनका जखीरा जला देता है। राज खुद को काली जहर करता है। इसके और वीर के दरमियान झगड़े की वजह से बादशाह को राज पर काली होने का शबा है। तहम राज की आजसी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो बेजर है और वो इनके तहफ़ के बदले इनकी गाड़ी ठीक करने का सौदा करता है। बल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नामी क्राइम बॉस के बेटे हैं। राज रणधीर के हरीफ दियो नारायण के मलिक के साथ इनके 2000 ताकुब में से एक के दौरान मीरा से मिल जाता है। वो इसके साथ प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अपने वालिद को खपत की तरसील के दौरान राज पर देव के मरीदों ने हमला किया जहां मीरा ने इंकशाफ किया कि वो मलिक की बेटी थी और इसने राज से झूठ बोला। वो राज की ज़िंदगी को बचाती है क्योंकि ये इसकी सालगिरह थी।
इसके फौरन बाद राज का मुकाबला वीरा से होता है। इसने अपनी गाड़ी में वीरा का पीछा किया और इसकी जान बचाई जब वो तकरीबन एक पहाड़ से गिर गई। वो इससे कहता है कि इससे दोबारा कभी ना मिलना वरना वो इससे मार डालेगा। वीरा पछतावा से मगलूब राज के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है जो बलाखिर इसे माफ कर देती है। राज और मीरा ने अंधीर और देव से अपने ताल्लुकात का इंकशाफ किया जो एक दूसरे से मिलने पर राजी है। तहम देव राज और इसके वालिद को फायरिंग के तबादले में मारने की कोशिश करता है। देव और अंधीर एक दूसरे को गोली मारकर हला कर देते हैं। जब मीरा राज को देव के जिस्म के पास से बंदूक पकड़े हुए देखती है तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने इसे धोखा दिया है और इसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शुक्ति और अनवर इसे माजी को भुलाकर वीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने पर राजी करते हैं। मौजूदा वीर को पता चलता है कि इसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू जो चोर था इसने कार के पुर्जे चुराए थे लेकिन इसे बचाता है क्योंकि सिद्धू ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी के लिए किया था। वीर ने अशिता को प्रपोज किया। राज को इनके ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। वो अशिता के खानदान से मिलने का फैसला करता है। तहम अशिता का खानदान मीरा है, इसकी बड़ी बहन। राज से मिलने के बाद मीरा ने फौरी तौर पर अशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर दिया। वीर और अशिता ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई बहन एक दूसरे से इतना नापसंद क्यों करते हैं। वीर और सुधु शिक्ति और अनवर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो घबराते हैं और एक मजाका खेस कहानी बनाते हैं कि राज रामलाल नाम का धोबी था और मीर पागू नामी लड़की थी जिसने इसे पैसों के लिए छोड़ दिया। वीर और अशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मंसूबा बंदी की लेकिन वो नाकाम रहे। मनी राज लेफ्टिनेंट बादशाह की कारों में से एक चोरी करता है और इसे दुकान पर लाता है। वीर मनी और सिद्धू ने कार के डेगलेट में मंशा द्राफ्त की और इन्हें जला दिया। ये महसूस करने पर के अशिता दीर से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि ये अशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा और राज को इस अमल में छोड़कर जाना चाहिए। जैसे एक गुस्से में वीर बाहर निकलता है, मीरा ने वीर को बताया कि राज दरअसल रणधीर का गोद लिया हुआ बेटा था और वो वीर का हयातियाती भाई नहीं है। राज ने इसकी तस्दीक की, दोनों भाई गले लग गए। नाराज राज अपने भाई के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने पर मीरा का सामना करता है। इसने इसे बताया कि वो बेकसूर है और इसने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया। मलिक का दिया हाथ रागु राज के बेगुनाही को जहर करता है और मीरा जो हकीकत को जानती है अशिता को राज घर ले जाती है और ऐलान करती है कि वीर शादी के बाद राज अशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफ़ी मांगती है और वो इसे फौरन माफ कर देता। एक चर्च में सिद्धू और इसकी गर्लफ्रेंड जीनी की शादी के मौके पर किंग अपनी कार जो शादी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी को ढूंढता है और मनी स्कर और वीर को लेकर आता है। ये जानने का मुतालबा करता है कि इसने मंशात, जब इसे मालूम होता है कि क्या हुआ है तो वो अपना गुस्सा खो देता है। एक लड़ाई होती है जहां राज अपने आप को गोली के तौर पर काली के तौर पर जहर करता है और बादशाह को मारता है। बादशाह राज को मारने की कोशिश करता है लेकिन मीरा को गोली लगती है और बादशाह को मारा पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा अस्पताल में दाखिल है जहां वो सेहत याब होकर राज के साथ दोबारा मिल जाती है। दोस्तों ये है इस मूवी की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। मूवी भी अच्छी है, इसके सॉन्ग भी अच्छी हैं, स्टोरी भी अच्छी है और इसके अलावा एक्टर भी बड़े बड़े हैं, चारों जो है वो मने हुए एक्टर हैं।
इसकी वजह से फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म अच्छी है, लेकिन आप जब देखेंगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। दिलवाले 2015 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सीनन और वर्धन धवन शामिल हैं, जबकि मनु धोना, बोमन ईरानी, कबीर बेदी और जॉनी जूनी लेवर मुख्य किरदारों में नजर आते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना की 27 अप्रैल 2017 की मौत से पहले की आखिरी फिल्म भी थी। दिलवाले ने क्रिसमस की मुद्दत से एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी, मजा, सिनेमाटोग्राफी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ मस्बत जायजे मिले। लेकिन इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले पर तनकीद, ये बैरून मुल्क 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 376 करोड़ की ज़्यादा की कमाई की और अब तक की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म फेयर अवार्ड में दिलवाले ने 5 नामजदगियाँ हासिल की, जिनमें बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान और बेहतरीन अदाकारा काजोल शामिल है। गाइस, अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी। अगर इस फिल्म के राइटर की बात करें तो इस फिल्म को जिसने राइट किया है उनका नाम है यूनिस सजावल, जिन्होंने इस फिल्म को राइट किया है। और डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है जी फरहाद सजाद ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। अगर स्टोरी प्ले की बात कर ली जाए तो स्टोरी प्ले जिन्होंने की है वो है जी के सुभाष और प्रोड्यूस्ड बाई गौरी खान, इनके शाहरुख खान की बीवी एंड रोहित शेट्टी। अगर मेन किरदारों की बात कर ली जाए तो मेन किरदारों में आपको नजर आएंगी काजोल, शाहरुख खान, कृति सनन, वर्धन धवन। अगर सिनेमाटोग्राफी की बात कर लें तो सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की जिसने की है उनका नाम है ड्यूली। अगर एडिट की बात की जाए तो इस फिल्म को जिसने एडिट किया है उनका नाम है बुंटी नागी। अगर म्यूज़िक की बात कर ली जाए तो म्यूज़िक जिन्होंने इसका दिया है वो है जी अमार मोबाइल। एंड सॉन्ग की बात कर लीजिए तो सॉन्ग प्रीतम ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर लीजिए तो रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पर ये मूवी आप जाकर देख सकते हैं, रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस पर भी आप ये मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से ये दी गई और इसकी जो रिलीज डेट है वो है दोस्तों 18 दिसंबर 2015 इंडिया में इसको रिलीज किया गया। 154 मिनट की स्टोरी पर मोहित ये स्टोरी है, लॉन्ग मूवी है और इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ही है। और इसके अलावा कंट्रीज की बहारत है और इसको हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया, बाद में फिर मुख्तलिफ जबानों में आपको पता है कि डब कर दिया जाता है। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 75 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस में 378 करोड़ का बिजनेस किया। वाओ, अच्छा बिजनेस करके बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा दे के जिस किसी ने भी इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में काजल एज अ मीरा मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे, शाहरुख खान एज अ राज काली के रोल में आपको नजर आएंगे बख्शी, एंड कृति सनन एज अ इशिता इशु मलिक के रोल में आपको नजर आएंगी, वरुण धवन एज अ वीर बख्शी के रोल में आपको नजर आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट की बात कर लें, विनोद खन्ना एज अ रणधीर बख्शी काली एंड वीर फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड कबीर बेदी एज अ डेव मलिक एंड मीरा एंड इशिता फादर के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड वरुण शर्मा एज अ सिद्धार्थ सद्दू सिंगल के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड जॉनी लेवर एज अ मिनी ट्रिप्टी के रोल में आपको नजर आएंगे, बोहमन ईरानी एज अ किंग
भतीजिया के रोल में आपको नजर आएंगी मिहेश तैवरी एज अ शक्ति। सेगल के रोल में आपको नजर आएंगे पंकज, पंकज जो है ना वो आपको अनवर अली मिर्ज़ा के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड इसके बाद एंड संजय मिश्रा एज अ ओस्कार कोस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे। नवाब शाह एज अ रंगाव शखर के रोल में आपको नजर आएंगे। तो इस कैरेक्टर मूवी में जिसने जो कैरेक्टर किया वो भी हमने आपको बताया। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा इस फिल्म दिन के दिल वाले में कि वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं, यानी कि शाहरुख खान और वरुण धवन भाई हैं, जो गोवा में कार ट्यूनर्स के तौर पर काम करते हैं। वीर की मुलाकात इशाक्ति नामी एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़की से होती है, जहां वो इसकी मदद करता है, लेकिन इस अमल में एक गाक की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तपस्या के तौर पर राज वीर को रात में गाड़ी ठीक करने पर मजबूर करता है। वीर गाड़ी को ठीक करते हुए सो जाता है और जब वो बीदार होता है तो इससे मालूम होता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। दरअसल वीर किंग नामी मनशात फरोज के साथ झगड़ा में पड़ जाता है। वो अपने चंद हवारियों को मारता है जिन्होंने शीता को धमकी दी और बाहर निकल गया। राज ने लड़ाई तोड़ दी और इसे अस्पताल में दाखिल कराया। राज को बादशाह के ठिकाने का पता चलता है, जहां वो अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ मिलकर गैंग के अरकान को मार डालता है और इनका जखीरा जला देता है। राज खुद को काली जहर करता है। इसके और वीर के दरमियान झगड़े की वजह से बादशाह को राज पर काली होने का शबा है। तहम राज की आजसी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो बेजर है और वो इनके तहफ़ के बदले इनकी गाड़ी ठीक करने का सौदा करता है। बल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नामी क्राइम बॉस के बेटे हैं। राज रणधीर के हरीफ दियो नारायण के मलिक के साथ इनके 2000 ताकुब में से एक के दौरान मीरा से मिल जाता है। वो इसके साथ प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अपने वालिद को खप की तरसील के दौरान राज परदेव के मरीदों ने हमला किया, जहां मीरा ने इंकशाफ किया कि वो मलिक की बेटी थी और इसने राज से झूठ बोला। वो राज की जिंदगी को बचाती है क्योंकि ये इसकी सालगिरह थी। इसके फौरन बाद राज का मुकाबला मीरा से होता है। इसने अपनी गाड़ी में मीरा का पीछा किया और इसकी जान बचाई जब वो तकरीबन एक पहाड़ से गिर गई। वो इससे कहता है कि इससे दोबारा कभी ना मिलना वरना वो इससे मार डालेगा। मीरा पछतावा से मगलूब राज के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है, जो बलाखिर इसे माफ कर देती है। राज और मीरा ने रणधीर और दीव से अपने ताल्लुकात का इंकशाफ किया, जो एक दूसरे से मिलने पर राजी है। तहम दीव राज और इसके वालिद को फायरिंग के तबादले में मारने की कोशिश करता है। दीव और रणधीर एक दूसरे को गोली मार कर हला कर देते हैं। जब मीरा राज को दीव के जिस्म के पास बंदूक पकड़े हुए देखती है तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने इसे धोखा दिया है और इसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शक्ति और अनवर इसे माजी को भुलाकर वीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने पर राजी करते हैं। मौजूदा वीर को पता चलता है कि इसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू जो चोर था इसने कार के पुर्जे चुराए थे, लेकिन इसे बचाता है लय क्योंकि सिद्धू ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी के लिए किया था। वीर ने शीता को प्रपोज किया। राज को इनके ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। वो अशिता के खानदान से मिलने का फैसला करता है। तहम अशिता का खानदान मीरा है, इसकी बड़ी बहन। राज से मिलने के बाद मीरा ने फौरी तौर पर अशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर दिया। वीर और शीता ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई बहन एक दूसरे से इतना नापसंद क्यों करते हैं।
वीर और सुधु शिक्ति और अनवर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो घबराते हैं और एक मजाका खेस कहानी बनाते हैं कि राज राम लाल नाम का धोबी था और मीर पागू नामी लड़की थी जिसने इसे पैसों के लिए छोड़ दिया। वीर और अशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मनसूबा बंदी की, लेकिन वो नाकाम रहे। मनी राज लेफ्टिनेंट बादशाह की कारों में से एक चोरी करता है और इसे दुकान पर लाता है। वीर मनी और सिद्धू ने कार के डेगलेट में मनशा ड्राफ्ट की और इन्हें जला दिया। ये महसूस करने पर कि अशिता दीर से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि ये अशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा और राज को इस अमल में छोड़कर जाना चाहिए। जैसा एक गुस्से में वीर बाहर निकलता है, मीरा ने वीर को बताया कि राज दरअसल रणधीर का गोद लिया हुआ बेटा था और वो वीर का हयातियाती भाई नहीं है। राज ने इसकी तस्दीक की, दोनों भाई गले लग गए। राज अपने भाई के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने पर मीरा का सामना करता है। इसने इसे बताया कि वो बेकसूर है और इसने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया। मलिक का दिया हाथ रागु राज के बेगुनाही को जहर करता है और मीरा जो हकीकत को जानती है अशिता को राज घर ले जाती है और ऐलान करती है कि वीर शादी के बाद राज अशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफ़ी मांगती है और वो इसे फौरन माफ़ कर देता। एक चर्च में सिद्धू और इसकी गर्लफ्रेंड जीनी की शादी के मौके पर किंग अपनी कार जो शादी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी को ढूंढता है और मनी स्कर और वीर को लेकर आता है। ये जानने का मुतालबा करता है कि इसने मनशा, जब इससे मालूम होता है कि क्या हुआ है तो वो अपना गुस्सा खो देता है। एक लड़ाई होती है जहां राज अपने आप को गोली के तौर पर काली के तौर पर जहर करता है और बादशाह को मारता है। बादशाह राज को मारने की कोशिश करता है लेकिन मीरा को गोली लगती है और बादशाह को मारा पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा अस्पताल में दाखिल है जहां वो सेहत याब होकर राज के साथ दोबारा मिल जाती है। दोस्तों ये है इस मूवी की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। मूवी भी अच्छी है, इसके सॉन्ग भी अच्छी हैं, स्टोरी भी अच्छी है और इसके अलावा एक्टर भी बड़े बड़े हैं, चारों जो है वो मने हुए एक्टर हैं। इसकी वजह से फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म अच्छी है। लेकिन आप जब देखेंगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। दिलवाले 2015 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसकी हिदायतकारी रोहित शेट्टी ने की है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सीनन और वर्धन धुआन शामिल है, जबकि मनु धोना, बोमन ईरानी, कबीर बेदी और जानी जूनी लेवर मोहन किरदारों में नजर आते हैं। इस फिल्म में विनोद खन्ना की 27 अप्रैल 2017 की मौत से पहले की आखिरी फिल्म भी थी। दिलवाले ने क्रिसमस की मुद्दत से एक हफ्ता कबल 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में थिएटर में रिलीज किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, मौसीकी, मजा, सिनेमाटोग्राफी और कास्ट परफॉर्मेंस की तारीफ के साथ मस्बत जायजे मिले। लेकिन इसकी कहानी स्क्रीन प्ले पर तनकीद, ये बैरून मुल्क 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। इसने दुनिया भर में 376 करोड़ की ज़्यादा की कमाई की और अब तक की 31वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म बनकर सामने आई। फिल्म फेयर अवार्ड में दिलवाले ने 5 नामजदगियां हासिल की जिनमें बेहतरीन अदाकार शाहरुख खान और बेहतरीन अदाकारा काजोल शामिल है। गाइस अगर इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है रोहित शेट्टी। अगर इस फिल्म के राइटर की बात करें तो इस फिल्म को जिसने राइट किया है उनका नाम है यूनिस सजावल जिन्होंने इस फिल्म को राइट किया है और डायलॉग जिसने लिखे हैं वो है जी फरहाद सजाद ने इस फिल्म के डायलॉग लिखे हैं।
अगर स्टोरी प्ले की बात कर ली जाए तो स्टोरी प्ले जिन्होंने की है वो है जी के सुभाष और प्रोड्यूस्ड बाई गौरी खान इनके शाहरुख खान की बीवी एंड रोहित शेट्टी। अगर मेन किरदारों की बात कर ली जाए तो मेन किरदारों में आपको नजर आएंगी काजोल, शाहरुख खान, कृति सनन, वर्धन दुहान। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर लें तो सिनेमोग्राफी इस फिल्म की जिसने की है उनका नाम है ड्यूली। अगर एडिट की बात की जाए तो इस फिल्म को जिसने एडिट किया है उनका नाम है बुंटी नागी। अगर म्यूजिक की बात कर लीजिए तो म्यूजिक जिन्होंने इसका दिया है वो है जी अमार मोबाइल। एंड सॉन्ग की बात कर लीजिए तो सॉन्ग प्रीतम ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर लीजिए तो रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से इसको प्रोडक्शन किया गया है। यहाँ पर ये मूवी आप जाकर देख सकते हैं। रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस पर भी आप ये मूवी देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय रेड 40 इंटरटेनमेंट की तरफ से ये दी गई और इसकी जो रिलीज डेट है वो है दोस्तों December 18, 2015 इंडिया में इसको रिलीज किया गया। 154 मिनट की स्टोरी पर मोहित ये स्टोरी है। लॉन्ग मूवी है और इतनी भी लॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक ही है। और इसके अलावा कंट्रीज की भारत है और इसको हिंदी जबान में रिलीज़ किया गया। बाद में फिर मुख्य जबानों में आपको पता है कि डब कर दिया जाता है। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो है जी 75 करोड़ की लागत है और इसने बॉक्स ऑफिस में 378 करोड़ का बिजनेस किया। वाओ, अच्छा बिजनेस करके बहरहाल अच्छा खासा मुनाफा दे के जिस किसी ने भी इस फिल्म पर इन्वेस्ट किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में काजल एज अ मीरा मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे। शाहरुख खान एज अ राज काली के रोल में आपको नजर आएंगे बख्शी। एंड क्रिस्टी सनन एज अ इशिता इशु मलिक के रोल में आपको नजर आएंगे। वरुण दुहान एज अ वीर बख्शी के रोल में आपको नजर आने वाले हैं। एंड नेक्स्ट की बात कर लें विनोद खन्ना एज अ रणधीर बख्शी काली एंड वीर फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड कबीर बेदी एज अ देव मलिक एंड मीरा एंड इशिता फादर के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड वरुण शर्मा एज अ सिद्धार्थ सद्दू सिंगल के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड जॉनी लेवर एज अ मिनी ट्रिप्टी के रोल में आपको नजर आएंगे। बोहमान ईरानी एज अ किंग भतचिया के रोल में आपको नजर आएंगे। मिखेश तेवरी एज अ शक्ति सेघल के रोल में आपको नजर आएंगे। पंकज जो है ना वो आपको अनवर अली मिर्जा के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड इसके बाद एंड संजय मिश्रा एज अ ओस्कार कोस्टर के रोल में आपको नजर आएंगे। नवाब शाह एज अ रंगाव शखर के रोल में आपको नजर आएंगे। तो इस कैरेक्टर मूवी में जिसने जो कैरेक्टर किया वो भी हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा इस फिल्म दिन के दिल वाले में कि वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं, यानी कि शाहरुख खान और वरुण दुहान भाई हैं, जो गोवा में कार ट्यूनर्स के तौर पर काम करते हैं। वीर की मुलाकात इशाती नामी एक तालीम याफ्ता नौजवान लड़की से होती है जहां वो इसकी मदद करता है, लेकिन इस अमल में एक गाक की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तपस्या के तौर पर राज वीर को रात में गाड़ी ठीक करने पर मजबूर करता है। वीर गाड़ी को ठीक करते हुए सो जाता है और जब वो बीदार होता है तो इससे मालूम होता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। दरअसल वीर किंग नामी मंशात फरोज के साथ झगड़ा में पड़ जाता है। वो अपने चंद हवारियों को मारता है जिन्होंने इशिता को धमकी दी और बाहर निकल गया। राज ने लड़ाई तोड़ दी और इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया। राज को बादशाह के ठिकाने का पता चलता है जहां वो अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ मिलकर गैंग के अरकान को मार डालता है और इनका जखीरा जला देता है। राज खुद को काली जहर करता है। इसके
और वीर के दरमियान झगड़े की वजह से बादशाह को राज पर काली होने का शवा है। तहम राज की आजसी ने बादशाह को यकीन दिलाया कि वो बेजर है और वो इनके तहफ़ के बदले इनकी गाड़ी ठीक करने का सौदा करता है। बल्गारिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नामी क्राइम बॉस के बेटे हैं। राज रणधीर के हरीफ दियो नारायण के मलिक के साथ इनके 2000 ताकुब में से एक के दौरान मीरा से मिल जाता है। वो इसके साथ प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अपने वालिद को खप की तरसील के दौरान राज परदेव के मरीदों ने हमला किया, जहां मीरा ने इंकशाफ किया कि वो मलिक की बेटी थी और इसने राज से झूठ बोला। वो राज की ज़िंदगी को बचाती है क्योंकि ये इसकी सालगिरह थी। इसके फौरन बाद राज का मुकाबला मीरा से होता है। इसने अपनी गाड़ी में मीरा का पीछा किया और इसकी जान बचाई जब वो तकरीबन एक पहाड़ से गिर गई। वो इससे कहता है कि इससे दोबारा कभी ना मिलना वरना वो इससे मार डालेगा। मीरा पछतावा से मगलूब राज के लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान करती है जो बला आखिर इसे माफ़ कर देती है। राज और मीरा ने अंधीर और दीव से अपने ताल्लुकात का इंकशाफ किया जो एक दूसरे से मिलने पर राजी है। तहम दीव राज और इसके वालिद को फायरिंग के तबादले में मारने की कोशिश करता है। दीव और अंधीर एक दूसरे को गोली मार कर हला कर देते हैं। जब मीरा राज को दीव के जिस्म के पास बंदूक पकड़े हुए देखती है तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने इसे धोखा दिया है और इसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शुक्ति और अनवर इसे माजी को भुलाकर वीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने पर राजी करते हैं। मौजूदा वीर को पता चलता है कि इसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू जो चोर था इसने कार के पुर्जे चुराए थे, लेकिन इसे बचाता है लै क्योंकि सिद्धू ने इंकशाफ किया कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड जीनी के लिए किया था। वीर ने अशिता को प्रपोज किया। राज को इनके ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। वो अशिता के ख़ानदान से मिलने का फैसला करता है। तहम अशिता का ख़ानदान मीरा है, इसकी बड़ी बहन। राज से मिलने के बाद मीरा ने फौरी तौर पर अशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर दिया। वीर और अशिता ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके भाई बहन एक दूसरे से इतना नापसंद क्यों करते हैं। वीर और सिद्धू शक्ति और अनवर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो घबराते हैं और एक मजाक का खेस कहानी बनाते हैं कि राज रामलाल नाम का धोबी था और मीर पागु नामी लड़की थी जिसने इसे पैसों के लिए छोड़ दिया। वीर और अशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मनसूबा बंदी की, लेकिन वो नाकाम रहे। मनी राज लेफ्टिनेंट बादशाह की कारों में से एक चोरी करता है और इसे दुकान पर लाता है। वीर मनी और सिद्धू ने कार के डैगलेट में मनशा द्राफ्ट की और इन्हें जला दिया। ये महसूस करने पर कि अशिता दी से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि ये अशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ जाना होगा और राज को इस अमल में छोड़कर जाना चाहिए। जैसा एक गुस्से में वीर बाहर निकलता है, मीरा ने वीर को बताया कि राज दरअसल रणधीर का गोद लिया हुआ बेटा था और वो वीर का हयातियाती भाई नहीं है। राज ने इसकी तस्दीक की, दोनों भाई गले लग गए। राज अपने भाई के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने पर मीरा का सामना करता है। इसने इसे बताया कि वो बेकसूर है और इसने कभी इसके साथ धोखा नहीं किया। मलिक का दिया हाथ रागु राज के बेगुनाही को जहर करता है और मीरा जो हकीकत को जानती है अशिता को राज घर ले जाती है और ऐलान करती है कि वीर शादी के बाद राज अशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफ़ी मांगती है और वो इसे फौरन माफ कर देता। एक चर्च में
सिद्धू और इसकी गर्लफ्रेंड जीनी की शादी के मौके पर किंग अपनी कार जो शादी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी को ढूंढता है और मनी स्कर और वीर को ले कर आता है। यह जानने का मुतालबा करता है कि इसने मंशात, जब इससे मालूम होता है कि क्या हुआ है तो वो अपना गुस्सा खो देता है। एक लड़ाई होती है जहां राज अपने आप को गोली के तौर पर, काली के तौर पर जहर करता है और बादशाह को मारता है। बादशाह राज को मारने की कोशिश करता है लेकिन मीरा को गोली लगती है और बादशाह को मारा पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा अस्पताल में दाखिल है जहां वो सेहत याब होकर राज के साथ दोबारा मिल जाती है। दोस्तों ये है इस मूवी की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई। मूवी भी अच्छी है, इसके सॉन्ग भी अच्छी हैं, स्टोरी भी अच्छी है और इसके अलावा एक्टर भी बड़े बड़े हैं, चारों जो है वो मने हुए एक्टर हैं। इसके वजह से फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया और फिल्म मैंने भी देखी है, फिल्म अच्छी है। लेकिन आप जब देखेंगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी।